Hello YouTube and welcome back to your channel. Hope you all are doing good. So today's topic is about न्यूट्रल स्विच. जो मेरी बाइक का न्यूट्रल स्विच जो है वो खराब हो गया था, उसकी वजह से वहां से ऑयल रिस रहा था. तो उसके पहले ही मैंने गियर शाफ्ट का ऑयल सील चेंज कराया था, उसी वक्त भी ऑयल लीक का प्रॉब्लम हुआ था. तो जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, न्यूट्रल स्विच का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ. बट न्यूट्रल स्विच मुझे यहाँ कहीं भी अवेलेबल नहीं हो रहा था मेरे टाउन में, तो मुझे मेरे फ्रेंड से मंगाना पड़ा गोरेगांव से. 60 रुपीज का न्यूट्रल स्विच था, बट उसकी वजह से बहुत सारा ऑयल लीक हो रहा था. तो चलिए दोस्तों, न्यूट्रल स्विच तो मिल गया है मुझे अब, तो चलिए सर्विस सेंटर चलकर देखते हैं कि कैसे न्यूट्रल स्विच इंस्टॉल होता है और कैसे उस वजह से अपना प्रॉब्लम सॉल्व होता है. चलिए करते हैं काम स्टार्ट. तो पहले हम लोगों को गियर शाफ्ट खोलना पड़ेगा, फिर उसके बाद यह हाउसिंग खुलेगा उसके ऊपर का. ये खुला हाउसिंग, फिर उसके बाद अंदर से देखती है. चलिए आगे चल के. हाँ, तो ये न्यूट्रल का स्विच जो है ये ख़राब हो गया, वहाँ से ऑयल बाहर रिस रहा है. तो ये खोला न्यूट्रल का स्विच, ये निकला बाहर. देख सकते हैं आप इसमें से ऑयल रिस रहा है, क्योंकि ये पहले से थोड़ा सा अंदर ऑयल जमा था और ऑयल अभी रिसेंटली चेंज किया है. आप नीचे गिरा हुआ ऑयल देख सकते हैं, न्यू ऑयल है. हाँ, रिसेंटली चेंज हुआ है, कुछ 100 किलोमीटर भी नहीं चला है ऑयल चेंज करके. ये थोड़ा सा पॉकेट का हिस्सा अंदर से ख़राब हो चुका है, क्योंकि चेन किट पूरा डैमेज हो चुका है, न्यू चेंज करना है. तो इसके लिए मैंने क्लीन नहीं कराया अंदर से. जब ये अभी रिसेंटली चेंज होगा तो उसके वक्त उस वक्त पूरा क्लीन होगा. तो चलिए, अभी ये न्यूट्रल का स्विच निकाल दिया है, तो उस न्यूट्रल के स्विच के पास हम एडहेसिव पेस्ट लगाएंगे पूरा. ये देखिए, ये न्यू स्विच है, ये पुराना स्विच. तो न्यू स्विच को हम पूरा एडहेसिव पेस्ट लगा के अंदर उसको बोल्ट से कस देंगे. ये लगा एडहेसिव पेस्ट स्विच के साइड्स में. ये गया अंदर स्विच. अब इसको बोल्ट से थोड़ा सा दबा के अंदर बोल्ट से कस देंगे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वहाँ से ऑयल लीक होना बंद हो जाएगा. ये लगा बोल्ट, अब इसको टाइटन कर देंगे. ये हो गया बोल्ट टाइट. अब हमारा इश्यू सॉल्व हो चुका है, अब इसमें से ऑयल लीक का प्रॉब्लम नहीं होगा. लास्ट टाइम जो ऑयल लीक हुआ था वो गियर शाफ्ट से हुआ था. आप देख सकते हैं गियर शाफ्ट के ऑयल सील के अगल बगल में भी एडहेसिव टेप लगा है, तो उस वक्त भी ये भी प्रॉब्लम हो रहा था. बट अभी स्विच मिल नहीं रहा था. 60 रुपीज़ का स्विच है ये न्यूट्रल का. ये तो मैंने मंगा लिया मुंबई से, मेरा फ्रेंड लेके आया था मुझे जब मिलने आया था तब. अब ये इश्यू सॉल्व हो चुका है. अब अगला जो काम होगा वो चेन किट का होगा. ये तो अभी हाउसिंग फिट हो जाएगा ऊपर से. ये हो गया हाउसिंग फिट, फिर गियर शाफ्ट फिट हो जाएगा. इस तरीके से दोस्तों, ये जो न्यूट्रल स्विच में से जो ऑयल लीक होने का प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो चुका है.